नमस्कार दोस्तों, एक ज्ञान जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ऐसा है जो एक यूट्यूबर को इनक्रेज करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से 3400 पदों का भर्ती का बड़ा धमाका हुआ है, जो कि 12वीं पास और कंप्यूटर का नॉलेज होनी जरूरी है, और 3 दिनों में भर्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी अकाउंट्स पर वीडियो शेयर से ज़्यादा जरूर कीजिए। कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए, शक्ति पूर्ति सहायक की नियुक्ति बड़ी सबसे बड़ी चुनौती, जो कि आपको कल भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। खराबा फसल खराब होने के लिए जो ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है, फसल खराब की गिरदावरी के लिए एक गांव में क्षतिपूर्ति सहायक पद के लिए कई कई दावेदार बने हैं। ठीक है जी, और 3 दिन में डीसी के लिए सूची फाइनल करना आसान नहीं है। ठीक है जी, फसल काटी तो कैसे होगा नुकसान का आंकलन, ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है। और जल्द से जल्द, क्योंकि आपको भी पता है भी 2 या 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कणक काटने को लग जाएंगे। किसानों के सामने अभी यह समस्या आ रही है कि जिन किसानों ने पोर्टल पर नुकसान का दावा तो किया है, लेकिन अभी तक पटवारियों द्वारा उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई। ऐसे में किसानों को चिंता है कि एक तो फसल पक कर तैयार हो चुकी है, ठीक है, अगर वह फसल कटाई करा लेंगे तो फिर उनकी फसल का नुकसान का आंकलन कैसे होगा, अगर फसल कटाई ना कराई तो फिर खराब होने की आशंका है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान का कहना है कि गिरदावरी में तेजी लाई जाए, सरकार केवल दावे ही कर रही है, कभी पोर्टल पर दावा करना है तो कभी पटवारी के पास। तो इस जो कि क्षतिपूर्ति सहायक पटवारियों को एक एक नियुक्त करके देने का फैसला किया गया 500 किले पर, तो उसके अगेंस्ट जो कि बहुत बड़ी बड़ी चुनौती आ गई है। कितने सहायक रखने हैं पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हरियाणा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी से पहले अब सरकार के लिए क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त करना ही बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आनन फानन में लिए गए इस निर्णय में अब सभी डीसी को परेशानी बढ़ गई है। 3 दिन में 3400 क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति की जानी है। कितने जी? 3400, एक नहीं दो नहीं, 3400 सहायक क्षतिपूर्ति के लिए नियुक्त किए जाएंगे और 500 ब्लॉक बनाए जाएंगे। और सोच सकते हो 500 ब्लॉक में अलग अलग कैंडिडेट्स रखे जाएंगे, 3400 क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त करने हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में, और 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करनी है। जो कि आपको पता है भी जो कैंडिडेट 500 एकड़ का ब्यौरा देगा, फसल बेची का रिकॉर्ड आकलन तैयार करके देगा, तो उसको 5000 रुपये देने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है, इस कारण फॉर्म बहुत संख्या में आ रहे हैं, लेकिन डीसी के सामने समस्या तो यह आ रही है कि एक एक गांव से नियुक्त करने के लिए दर्जन भर दावेदार आ रहे हैं, और अकेले दावेदार ही नहीं, बाकायदा सरकार में बैठे हुए अहदेदारों की सिफारिशों का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार ने 3 दिन में इन युवकों की नियुक्ति का समय दिया भी, 3 दिन के अंदर अंदर नियुक्त किए जाएं, लेकिन अब सूची फाइनल करने में ही अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। और हरियाणा के 6157 गांव है, यानी कि 6157 गांवों में से 260,865 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल में नुकसान का दावा किया। करीब 17 लाख एकड़ में फसल खराबा दिखा गया है। ठीक है, और किसानों ने दावों की जांच का जिम्मा पटवारियों को दिया गया है, लेकिन पटवारियों की संख्या कम होने के चलते गिरदावरी में काफ़ी समय लग रहा है। सरकार की तरफ से गिरदावरी के लिए 15 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया, और मई माह में सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा भी सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। तो लेकिन तय समय में न तो गिरदावरी पूरी होने के आसार हैं, नए समय पर मुआवजा मिलने के आसार हैं। गिरदावरी के बीच क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्ति के फैसले में पेच और फंस गया है। जिला स्तर के अधिकारी गांव वाइज लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त होने के लिए अब सिफारिशों का दौर भी बहुत ज़्यादा चल गया है, और अधिकारियों को सूची फाइनल करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असल परेशानी यह है कि इस पद के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना युवकों को जरूरी है,
कंप्यूटर ज्ञान वाले युवकों को ही लिया जा रहा है और गांवों में ऐसे युवकों की संख्या ज़्यादा है। इन्हें 500 एकड़ पर 5000 रुपये दिए जाने हैं। तो इसमें हजारों फॉर्म आए हैं जी, जो कि आपको मैंने बता ही दिया है, और 500 एकड़ के पर जो आपको मैंने बताया 5000 रुपये दिए जाने हैं। ये जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कवरअप करना है, क्षतिपूर्ति का पूरा डाटा अपलोड करना है। तो हजारों फार्म आ रहे हैं, हजारों ही फार्म आ रहे हैं। तो फार्म ही नहीं अकेले, और सिफारिशें भी साथ की साथ आ रही हैं। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट को ये दिक्कत आ रही है, डीसी साहब को ये दिक्कत आ रही है, हरेक डिस्ट्रिक्ट के भी, इनका चुनाव किया तो किया कैसे जाए, उधर से फसल भी पकी पड़ी है, तो उधर से इस किसानों का क्षतिपूर्ति का डाटा भी अपलोड करना है। और सरकार ने ये भी सुनिश्चित कर दिया भी मई में किसानों को उनका खराबा भी दिया जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है फिलहाल भी। डीसी 3 दिन में लिस्ट कैसे फाइनल करेंगे डिप्टी कमिश्नर के सामने, ये बहुत बड़ी चुनौती है जी, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े दावेदार आ रहे हैं, अहदेदारों की सिफारिशें आ रही हैं, इसलिए इस चक्कर में अभी बहुत ज़्यादा देख सकते हो। इससे क्लियर हो रहा है भी कितनी हरियाणा में बेरोजगारी है, ठीक है जी, और कितने कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं अभी बेरोजगार। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही। अगर इसी तरह की अपडेट और भी पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। इस चैनल पर अपडेट आपको दी जाती है, जेन्युइनली अपडेट दी जाती है जी। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।